बहुत कम लोग ही इस बात को जानते हैं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील स्क्रैप इंपोर्टर है और हर साल भारत में करीबन 8 मिलियन मेट्रिक टन स्टील स्क्रैप इंपोर्ट किया जाता है। यही वजह है कि आज भारत स्टील प्रोडक्शन के मामले में भी दुनिया में चीन के बाद दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन आयरन ओर के एक्सपोर्ट को लेकर भारत आज पूरे विश्व को डोमिनेट करता है, पर हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि भारत को अब स्टील स्क्रैप इंपोर्ट करने में बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं। और हमेशा की तरह ये परेशानियां भारत के लिए यूरोपियन यूनियन खड़ी कर रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अपना स्टील स्क्रैप भारत को एक्सपोर्ट नहीं करना चाहता और इसके लिए एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने की मांग कर रहा है। इनफैक्ट भारत को अपनी जगह से हटाने के लिए यूरोप के गैंग ने कमर कस ली है और OECD ग्रुप चाहता है कि ऐसा स्टील वेस्ट एक्सपोर्ट करके भारत जैसे टॉप स्टील प्रोड्यूसर से पैसा कमाया जाए। OECD मतलब द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और भारत इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। पूरे अपडेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ये आपके लिए केवल एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो OECD ग्रुप ने अपने फेरस एक्सपोर्ट पे बैन लगाने की बात उठाई है। आपको बता दें कि यूरोप हर साल करीबन 18 मिलियन मेट्रिक टन स्टील के कबाड़ का एक्सपोर्ट करता है और इस स्टील का सबसे बड़ा इम्पोर्टर फिलहाल टर्की है। OECD ग्रुप में 38 देश शामिल है और टर्की इस ग्रुप का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये कि जो परेशानियां भारत के लिए खड़ी होंगी वही दिक्कतें टर्की को भी झेलनी पड़ेंगी। भारत ने इस एक्सपोर्ट बैन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है, लेकिन इसके कम ही चांसेस हैं कि यूरोप इस ड्यूटी को लगाने से रुक जाएगा। समझने वाली बात यह है कि भारत को स्टील स्क्रैप की इतनी जरूरत क्यों है, जब हमारे पास आयरन ओर के दुनिया के सबसे बड़े भंडार मौजूद हैं। इसका पहला और मेन रीजन ये है कि स्टील की रिसाइकलिंग से करीबन 56% एनर्जी कम इस्तेमाल होती है। भारत में 30-35% स्टील रिसाइकलिंग के जरिए प्रोड्यूस होती है और ये स्क्रैप भारत में मेनली डेवलप्ड देशों से आता है, और इन देशों की लिस्ट में चीन भी शामिल है जो खुद भारतीय आयरन ओर का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। अगर यूरोप स्टील स्क्रैप का एक्सपोर्ट बंद कर दे तो स्टील के प्रोडक्शन के लिए भारत का एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाएगा, नतीजतन स्टील की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी और भारतीय स्टील कॉम्पिटेटिव नहीं रह जाएगी। आपको बता दें कि भारत में स्टील का पर कैपिटा कंजम्पशन केवल 87 किलोग्राम है, वहीं यूरोप में ये कंजम्पशन 312 किलोग्राम के आसपास है। इसका मतलब ये कि भारत में यूरोप के मुकाबले स्टील का इस्तेमाल कम है, इसलिए घरेलू मार्केट से स्टील का स्क्रैप कम जनरेट होता है। अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए इसलिए हमें इम्पोर्टेड स्टील स्क्रैप की जरूरत पड़ती है, और इसलिए एक्सपोर्ट बैन हमारी स्टील इंडस्ट्री के लिए बड़ा खतरा है। पिछले 10 सालों में मेक इन इंडिया की वजह से भारत के हर सेक्टर में प्रोडक्शन कई गुना बढ़ा है और साथ ही भारत पे लगने वाले बैन भी बढ़े हैं। जहां एक तरफ यूरोपियन यूनियन प्लास्टिक की डंपिंग भारत में नहीं रोकना चाहती, वहीं दूसरी तरफ फेरस स्क्रैप की सप्लाई भारत के लिए बंद करना चाहती है। इसे आप दोगलापन कहेंगे या नहीं, कमेंट सेक्शन में हाँ या ना में अपना जवाब जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आप हमें आज तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।